Everyone, this is Sumit Kumar, and in this video I am going to give analysis for this IIT JAM exam 2020 जो आज ही के दिन 9th फेब को हुआ. तो आगे मैं स्टार्ट करूँ, इसके पहले मैं यही बोलूँगा कि अब जो हो गया सो हो गया, आराम से रिलैक्स करो आज और बस इन्जॉय करो मैथमेटिक्स को, ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं. तो पहला तो मैं आऊँगा इसके, चूँकि आपको पहले से पता है इसके तीन सेक्शंस होते हैं, NAT मल्टीपल करेक्ट आंसर्स एंड सिंगल करेक्ट आंसर. तो NAT वाज रिलेटिवली इजी फ्रॉम लास्ट 1-2 इयर्स, एंड मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन जो थे जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट थे, दैट्स वाज ट्रिकी, है ना. तो मॉडरेट लेवल्स आप थोड़ा सा ओपन को ऊपर रख सकते हैं. सिंगल करेक्ट वाज मॉडरेट, ओके. सो दिस वाज द लेवल ऑफ दिस ईयर का क्वेश्चन पेपर, ठीक है. NAT ईजी होने का रीज़न था कि कुछ क्वेश्चंस उन्होंने रिपीट कर दिए थे और कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव उस टाइप के भी नहीं थे. सो क्योंकि ये सब फीडबैक में मैं उस हिसाब से दे रहा हूँ जो एक स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है ना. तो जितने भी जो हमारे स्टूडेंट नहीं भी थे उनसे भी अभी फ़ोन पर बातचीत हो के, तो ये सारे कुछ बातचीत भी हैं जो उन्होंने बताया है, ठीक है. हाँ, उनसे कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं बने, बट उनका फीडबैक यही था कि सर हाँ, क्वेश्चन वॉज रिलेटिवली ईजी, ठीक है, ओके. एंड मल्टीपल करेक्ट में जहाँ तक लगभग बच्चों का फीडबैक यही था कि सर इस बार ट्रिकी थे क्वेश्चन, और ऑफकोर्स वो ट्रिकी होना चाहिए ना, और प्योर सेक्शंस के वहाँ क्वेश्चन हैं, और ऑफकोर्स वो भी IIT कानपुर क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है, तो ऑफकोर्स अच्छा रहेगा लेवल, नो डाउट. सिंगल करेक्ट वॉज मॉडरेट, अगर आपको पता होगा तो बहुत अच्छे से आप दिए होंगे. नाउ लेट्स कम टू दी एक क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी का, जिससे मैं लेवल का पता कर सकता हूँ. वहाँ पे था कि जो सर्कल ग्रुप है, सर्कल S1, वहाँ से आप उसका एक e2i2πα ले रहे हो और पूछ रहे हो कि इसका ऑर्डर जो होगा वो इनफाइनाइट होगा. तो ये इस टाइप के अल्फ़ा के कलेक्शंस क्या होंगे, काउंटेबल, फाइनाइट, अनकाउंटेबल. सो आंसर वाज अनकाउंटेबल, एनी इरेशनल नंबर विल वर्क. तो ये क्वेश्चन मुझे पता चला, तो मुझे पता चल गया कि लेवल क्या था, है ना. तो ऐसा ही लेवल था ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन का. सो आई नो प्योर का लेवल बहुत अच्छा था इस बार, एंड इट्स रियली मतलब बेसिक फंडामेंटल दे हैव आस्क्ड, एंड आई एक्सपेक्टेड द सेम फ्रॉम कानपुर. एनीवे, एंड लेट्स कम टू द अप्लाइड सेक्शन. फॉर एग्जांपल द डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट सेक्शन वाज रियली इजी, राइट. अगर आपने थोड़ा बहुत भी उसके पीछे मेहनत किया होगा थोड़े बहुत, तो बहुत आसान से आपके एग्जाम गए होंगे. कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी के जहाँ तक बातचीत थी, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस पे उन्होंने घुमाया, अच्छे से घुमाया, मजा. मल्टीपल करेक्ट में फंक्शन को चार चार सेक्शंस में ब्रेक किया, देन दे आर आस्किंग एवरीथिंग. सो इट वाज, दैट्स व्हाई आई सेड इट वाज ट्रिकी एंड थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, ओके. एंड जहाँ तक मैंने पहले भी बोला था कि वेक्टर कैलकुलस के क्वेश्चन कुछ रिपीट किए गए थे, तो इस टाइप से वो क्वेश्चन NAT में आपको हेल्प किया होगा अगर आपने थोड़े बहुत प्रैक्टिस किए होंगे. सो दैट वाज अ लेवल, है ना. और अब चूंकि ऐसा लगभग फीडबैक था, तो आपको भी कुछ क्वेश्चन पता होगा तो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, बट इसी से मुझे इसी लेवल से पता चल गया कि क्वेश्चन का लेवल क्या था, ठीक है ना. तो आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा. और यहाँ तक भी अगर अच्छा नहीं जाता ना, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है इसमें. अगर आपका रैंक 1 भी आ जाता है और आपने उस टाइप से इंटेंशन से अगर इंटरेस्ट लेके मैथ्स को पढ़ानी है, या आपने अपने स्किल को अच्छा नहीं किया होगा मैथ्स में, या फिर आप कह सकते हो कि अपने आप को अपने इम्पावर नहीं किया होगा वाइल रीडिंग मैथमेटिक्स, तो फिर ये ग्रेट कार्ड्स का कोई मतलब नहीं बनता एट द एंड, है ना. ये ग्रेट कार्ड से ठीक है, बहुत अच्छा आपका रैंक 1, रैंक 2, रैंक 4 आ भी जाए, अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप पहुँच भी जाओ, लेकिन वहाँ जाके आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, राइट. तो अपने आप को इम्पावर करना मैथमेटिक्स में, वो गोल होना चाहिए. अगर वो आपका गोल था और एग्ज़ाम इवन दो आपका ख़राब गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे आप बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छा करोगे. आई हैव बिलीव ऑन यू, राइट. और जहाँ तक अपना मतलब जो भी कमियाँ रह गई इस एग्ज़ाम में आपको, जिसके कारणवश हो सकता है एग्ज़ाम उस अनुसार नहीं गया होगा, कोई बात नहीं, आगे के बारे में सोचिए. आगे और भी एग्ज़ाम्स हैं, मई जून में होंगे, अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्स होंगे, आप दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. एक डोर क्लोज हुआ है, बाकी डोर नहीं बंद हो गए, वो और खुले हैं, बस आपको जाके नॉक करना है इन प्रॉपर वे, राइट. सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. सो डोंट फील हेजिटेट एंड बी पॉजिटिव, है ना. और अपने आप को इम्प्रूव करते जाओ, अपने आप को एम्पावर करते जाओ, उसमें जहाँ तक होगा हमारे तरफ से हेल्प मिलेगी, एंड डेफिनेटली विल डू फॉर यू बेस्ट, राइट. सो कीप लर्निंग एंड एन्जॉय मैथमेटिक्स, ठीक है. एंड इफ इंटरेस्टेड यू शुड कम एंड लर्न मैथमेटिक्स फ्रॉम अस, ओके. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर.